आचार्य चाणक्य को अर्थशास्त्र, राजनीति और कूटनीति में पारंगत कहा जाता है। उन्होंने अपनी नीति शास्त्र के माध्यम से मानव जीवन के कई अहम पहलुओं को लेकर बातें व नियतियाँ बनाई। इन नीतियों का पालन करने से समाज व परिवार में सरलता से जीवन यापन किया जा सकता है। आचार्य चाणक्य के इन्हीं विचारों में से एक विचार में उन्होंने बताया है कि कैसे व्यक्ति के बुरे समय आने से पहले उसे अपने घर में 5 संकेत नज़र आ जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने द्वारा दिए गए विचारों में यह भी बताया है कि जब भी किसी व्यक्ति पर आर्थिक संकट आने वाला होता है तो उसे संकेत मिल जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को अपने आसपास घटने वाली कुछ घटनाओं पर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है, जिससे बुरा वक्त आने का संकेत मिल जाएगा। आइए जानते हैं कौन कौन से है वह संकेत। नंबर 1, तुलसी के पौधे। तुलसी के पौधे को पूजनीय माना जाता है। इसे घर में लगाने से सुख शांति रहती है। वहीं अगर यह पौधा सूख जाता है तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि काफ़ी देखरेख के बाद भी तुलसी का पौधा सूख जाता है तो ये भविष्य में आने वाली आर्थिक संकट का संकेत हो सकता है। नंबर 2, घर में कलेश होना। अगर आपके घर में अचानक कलेश बढ़ गया है और बिना वजह छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होने लगा है तो ये सब आने वाले आर्थिक संकटों की तरफ इशारा करता है। हालांकि गृह कलेश वास्तु दोष व ग्रहों के दोषों के कारण से भी होता है। नंबर 3, शीशे का टूटना। घर में शीशे का बार बार टूटना दरिद्रता व धन हानि का संकेत देता है। इसलिए अपने आसपास इस बात का ख्याल रखें और सचेत रहें। नंबर 4, घर में पूजा पाठ ना होना। अगर घर में पूजा पाठ ना हो या फिर मन ना लग रहा हो तो ऐसे में आपको सुख समृद्धि में कमी दर्शाता है। चाणक्य कहते हैं कि ये संकेत आने वाले आर्थिक संकट को दर्शाता है, क्योंकि जहाँ पूजा पाठ नहीं होता वहाँ सुख समृद्धि नहीं होती है। नंबर 5, बड़े बुजुर्गों का तिरस्कार करना। हमेशा घर के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हमेशा आशीर्वाद देते हैं और अगर उनका सम्मान ना किया जाए तो वे दुखी होंगे। और बड़े बुजुर्गों के साथ इस तरह व्यवहार करने वाले लोग जीवन में कभी भी खुश नहीं रहते हैं। ये भी आर्थिक संकट का एक संकेत है। जय हिंद, जय भारत।